अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है ना, मैं भी आता हूं। मेरा दिखरा, तू कब तक अपनी नानी से रूठी रहेगी? नानी, अगर आपको मुझसे कोई काम है तभी बात कीजिए, वरना प्लीज लीव मी अलोन। ओह नो नानी, टाइम हो गया है दादा सुबह की रिपोर्ट देने का, एटलीस्ट वो तो काम कीजिए जिसके लिए आप आई हैं। दीप प्लीज। विद्या, तू तो कुछ बोल ही मत। नानी जाइए ना, वरना दादी और उनकी गोपी बहू नाराज हो जाएंगी। डर भला सो हो भला, अब तुझे दिखाती हूँ कि गौरा क्या चीज है। कल क्या कहा था तूने? कि मैं जलने वाली नहीं, जलाने वाली बहू हूं। क्यों? आज तेरा अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। मैडम का अंग्रेजी सीरियल देखने का समय हो चुका है, इसलिए वो अपने कमरे की तरफ जरूर आएगी। मुझे पता नहीं कि तेरी हर चाल और तेरी हर बात पर नजर है मेरी। क्या है जी, तुम नानी से इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो? और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? मैंने सोचा कि नानी इस उम्र में कहां जाएंगी, इसलिए बेवकूफों की तरह मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लेके आई। पर इन्हीं तो सिर्फ अपने विवान जी की ही चिंता है, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं, और मेरी चिंता का सिर्फ नाटक कर रही थी ये। नहीं दिख रहा, ऐसी बात नहीं है। नानी आपको जो करना है आप कीजिए, पर मुझे बख्श दीजिए। वैसे भी मेरे फेवरेट शो का टाइम हो गया। मीरा, मीरा मेरी बात तो सुन। मीरा नानी प्लीज, आप दीप की बात का बुरा मत मानना, आप तो जानते हैं ना उन्हें, प्लीज। सुन मीरा, इधर आ। सुन, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? अपने दुश्मन से हेल्प ले रही है? वैसे धर्म के सामने तो बहुत प्यार जताती है। गॉड, मना करूंगी तो ये फिर से धर्म जी को कंप्लेन कर देंगे। बताइए क्या काम है? पहले अंदर तो आ। अब बताएंगी या मुहूर्त निकलवाएंगी? कितने तेवर दिखा रही हो, थोड़ा रिस्पेक्ट कर। ये अंबे माँ, कल तूने मेरा हाथ मरोड़ा था ना, अभी भी हाथों में दर्द है पता है? मुझे थोड़ी मदद कर देना। अच्छा, कल कैसे धर्म जी से मेरे बारे में कंप्लेन कर रही थी उसका क्या, और आज कैसे हेल्प हेल्प चिल्ला रही है? अच्छा बाबा, मैं गलत तू सही, मैं हारी तू जीती, बस अब तू गुस्सा थूक दे मेरी माँ। देख मेरे बाथरूम के गीजर में पानी नहीं आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है लेकिन गर्म पानी नहीं आ रहा है। एक काम करेगी, रसोड़े में से मेरे लिए एक बाल्टी गर्म पानी ले आएगी। ठीक है, मैं मेघजी भाई से कह देती हूँ
वो ले आएंगे। भले जेवी तारी मर्जी, फिर धर्म मुझे पूछेगा कि मेरी बीवी बा आपका ख्याल रखती है कि नहीं, तो मैं कह दूंगी कि सेवा तो दूर की बात है, उसके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। इनका तो कोई भरोसा नहीं है, ये तो सच में ऐसा कर सकती हैं। रुक जाइए, मैं लेके आती हूँ। ये मीरा क्यों नहीं समझ रही है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको उसकी फिक्र है। राजी ना, एक मौका नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने का। मुझे लगता है मुझे एक बार और मीरा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, शायद वो मान जाए। क्या हुआ मीरा? कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया बहुरानी। अब लगे हाथ ये मोमबत्ती भी जला देना। वो मैंने टीवी पे देखा था कि वो पार्लर में ऐसे सुगंधी वाली मोमबत्तियां रखते हैं, तो थोड़ा सा ये काम भी कर दे। ये ले। आपको गर्म पानी फेंकना ही था तो आपने मुझे मंगवाया ही क्यों? मुझे काम करवा के, मुझे परेशान करके तो आपको खुशी ही मिलती है ना? तुझे जो समझना है समझ। ये आप क्या कर रही है? क्या कर रही है? देखिए दूर रही, दूर रही है। क्या कहा था तुमने? तुम जलने वाली नहीं, जलाने वाली बहुओं में से हो ना? ठीक है, आज फैसला हो ही जाए कि कौन जलता है और कौन जलाता है। नानी, तीने जो कहा उसे भूल जाइए ना प्लीज। श्रवण, ये खा ले। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं जो अब अपने हाथों से खिला दिया। मीरा का Oh, 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 oh
है कि ये मत कीजिए, ओके? दूर दूर रहिए। अजीब क्या कर रही है? मीरा, ये क्या पागलपन है? तुझे पता है, मैं जैसे ही पूजा करके आई तो यहाँ पे सारी मोमबत्तियां जली हुई थी। अरे मैं कुछ सोचू समझू इससे पहले ये पानी की बाल्टी लेके आई और इससे कहा कि मैं आपको इसका करके देती हूँ। मैं क्या जानू ये सब, मैं इसकी बातों में आ गई। अभी मैं कुछ बोलूं, कुछ सोचूं उससे पहले इसने बाल्टी उठाई और मेरे ऊपर डाल दी जिसमें पेट्रोल था। और मुझे कहने लगी, आज तो मैं आपको जिंदा जला नहीं रहूंगी। जाओ यहाँ से। झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठ बोल रही है ये। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि इनके बाथरूम का गीजर खराब हो गया है, इसलिए मैं किचन से गर्म पानी लेके आ जाऊं। बताइए, बोला था कि नहीं? झूठ, कितना झूठ बोल रही है। एक मिनट, तू खुद ही बता, इसके अंदर गर्म पानी है क्या? ये तो पेट्रोल है। हाँ, लेकिन मैं भी सच कह रही, मैं पानी ही लेकर आई थी। मेरी मीरा ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम लोगों ने देखा ना कि मीरा मेरे कमरे में बाल्टी लेके आ रही थी, फिर भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? तुमको वो नानी नादिन की बोलती बंद हो जाएगी। चाल ही ऐसी चली है मेरी। बताओ, ये बाल्टी लेके आई थी कि नहीं? तुम लोग भी मीरा की तरह झूठ बोलोगे? हाँ, हमने मीरा को देखा तो था। पर मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि मीरा ने ऐसा कुछ किया है। वाह, वो बात है। तुम लोगों ने इसे बाल्टी लाते हुए देखा, फिर भी कह रही हो कि नहीं, मैं नहीं मान सकती कि ऐसा ही है कि नहीं। अरे, लोग अपनी सास को गंगा स्नान करवाते हैं, लेकिन इस लड़की ने अपनी सास को पेट्रोल स्नान करवा दिया। अरे, तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। तुम लोग नहीं आते तो ये लड़की तो मुझे जिंदा जला डालती। कल इसने कहा था कि ये जलने वाली बहू में से नहीं है, जलाने वाली बहू में से है। कहा था ना? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।